व्यूअर्स, माय नेम इज़ अकीदत फातिमा, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, टॉपिक सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस एंड इट टाइप। इससे पहले वाली वीडियो में सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस और इसकी टाइप को स्टार्ट किया था। इसकी दो टाइप हैं, स्कैनिंग डिवाइस ऑडियो वीडियो वो है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करते हैं रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी प्रिंट होती है पेपर पर। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को इनटू द फॉर्म, यानी कि ये डिवाइसेस का क्या काम है, वो कन्वर्ट करेगी पहले इंफॉर्मेशन को किसी भी एक फॉर्म में, फिर उसको प्रोसेस किसके साथ किया जाएगा, कंप्यूटर के जरूर। कुछ डिवाइसेस जो होती है ना वो ये हैं मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की, जिसमें से पहली है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर जो होता है वो रीड कर सकता है ऐसे टेक्स्ट को जो कि प्रिंट होता है मैग्नेटिक इंक के थ्रू। मैग्नेटिक इंक के थ्रू यानी कि कंप्यूटर में उसको टाइप किया गया है, ऑलरेडी इसको कंप्यूटर में टाइप किया गया है, उस टेक्स्ट को ये रीड करता है। इट इज़ यूज, इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बैंक में फॉर प्राइस चेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो चेक होते हैं ना उनके प्रोसेस के लिए, चेक जो होते हैं ना वो किस किस्म की मालूमात को रीड करते हैं उसमें आ जाते हैं। MIC करेक्टर जो होते हैं ना वो लोअर लेफ्ट एजेस यानी कि छोटे लेफ्ट साइड पे जो किनारा है, यानी कि दीज करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि चेक नंबर को, बैंक नंबर को एंड अकाउंट नंबर, इस तरह की मालूमात को क्या करता है ये रीड करता है। उसके आगे कुछ सेकंड जो डिवाइसेस हैं मैग्नेटिक मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की वो है OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी उसी तरह होती है लेकिन ये क्या करती है, एक खास फॉन्ट को रीड करती है, यानी कि स्पेशल किस्म का एक फॉन्ट होता है, उन करेक्टर को रीड करते हैं जिसमें खास फॉन्ट होती है, और फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल कोड में। डिजिटल कोड में कन्वर्ट करेगा। मोस्ट OCR डिवाइसेस जो होती हैं स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं जो रीड करते हैं करेक्टर को, छोटे ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। OCR करेक्टर अपियर ऑन द यूटिलिटी बिल एंड प्राइस टैगिंग इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी कि वहाँ पे यहाँ पे जो प्राइस वगैरह जो होती हैं और बिल वगैरह जो होती हैं उन पे ये करेक्टर अपीयर होते हैं, यानी कि जिनको OCR रीड करता है। आगे जो नेक्स्ट जो है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में जो डिवाइस पाई जाती है वो है OMR। OM स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसको हम लोग यूज़ करते हैं मार्क करने के लिए सेंसिंग डिवाइसेस यानी कि डीज डिवाइसेस यूज़ करते हैं लाइट बीम को टू रीड करने के लिए डाटा। एक लाइट को यूज़ करते हैं रीड करने के लिए डाटा। ये डाटा क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ये सिग्नल जो होते हैं वो सेंड किए जाते हैं कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेस। इसकी एक एग्जाम्पल है जैसे कि MCQ टाइप पेपर जो होता है वो बना होता है कंप्यूटर में, तो उनको क्या करता है ये रीडर रीड करता है, उनको पहले लाइट पिन के थ्रू ये रीडर रीड करता है, उन मार्क को रीड करेगा जो सर्कल लगे होते हैं MCQs में, उनको रीड करता है और फिर उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में और उन सिग्नल को कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेस के लिए सेंड कर। आगे जो नेक्स्ट डिवाइस है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की वो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिकल इनकोडेड डाटा ऑन इट बैक, यानी कि मैग्नेटिकली तौर पर कोड होता है इसमें एक डाटा इसके बैक साइड पे, इस कार्ड की बैक साइड पे। मैग्नेटिक स्ट्रिप आर यूज इन मैनी प्लास्टिक कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होते हैं वो कई प्लास्टिक कार्ड पे मौजूद होते हैं, सच है इसमें क्या हो सकता है, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती हैं वो स्टोर करती हैं पर्सनल डिटेल को ऑफ द कार्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का क्या कुतना है, इसका काम ये है इस कार्ड का, वो स्टोर करता है आपकी पर्सनल डिटेल को, जो कार्ड का ओनर होता है उसको। इट कैन बी यूज टू असेस सिक्योर इंफॉर्मेशन, ये क्या कर सकता है, इस किस्म के कार्ड जो होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सिक्योर रखते हैं, सच है जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह हो, यानी कि इस तरह के कार्ड जो होते हैं वो बेनिफिट होते हैं, इसमें आपकी मालूमात बिल्कुल सेव होती है जैसे कि बैंक अकाउंट वगैरह हो। उसके बाद स्मार्ट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड जो होता है ना इज सिमिलरली टू क्रेडिट कार्ड और या ATM कार्ड। क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड यानी कि ATM कार्ड क्या होता है, आप जिसको यूज़ करते हैं बैंक में अपनी कैश वगैरह निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। इट्स कंटेन द टिनी माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी, यानी इस किस्म के स्मार्ट कार्ड में एक छोटा सा प्रोसेसर होता है और उसकी
थोड़ी सी मेमोरी होती है दैट एम्बेडेड इन अ कॉर्ड, यानी कि वो कहाँ पे होती है, कॉर्ड के अंदर ही होती है. द कॉर्ड इज इंसर्ट इनटू अ स्पेशलाइज्ड कॉर्ड रीडर. ठीक है, ये कॉर्ड जो होता है कहाँ पे इंसर्ट होता है, एक ख़ास किस्म के रीडर होते हैं इस तरह, इस कॉर्ड को, इन कॉर्ड को रीड करने के एक ख़ास किस्म के रीडर होते हैं. द कॉर्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इस कॉन्टेंट. वो कॉर्ड क्या करते हैं, उसकी रीड करते हैं और उसको अपडेट करते हैं उस पर जो भी डेटा होता है. मोबाइल सिम कार्ड एंड द एटीएम कार्ड जो है उसकी दो एग्जाम्पल हैं स्मार्ट कार्ड की. वॉट इज़ अ फैक्स मशीन. फैक्स मशीन क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है टेलीफोन लाइन के थ्रू, यानी कि उसको ट्रांसमिट भी कर सकती है, ट्रांसमिट भी कर सकती है एंड रिसीव भी कर सकती है डॉक्यूमेंट को ओवर टेलीफोन लाइन के थ्रू. द डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हो सकती है टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में एंड हैंड रिटन कॉन्टेंट, यानी कि चाहे आपका कोई लिखी हुई टेक्स्ट लेके भेजते हैं या फिर पिक्चर वगैरह सेंड करते हैं या हाथ से लिखा हुआ कोई कैट भेज सकते हैं, तो ये इस पे भी फैसिलिटीज़ है कि इसको सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. मशीन जो होती है ना वो सेंडिंग साइड जो स्कैन करती है डॉक्यूमेंट को, यानी कि पहले उसको किस तरह से स्कैन करेगी, पहले उसको कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी फिर उसको ट्रांसमिट करेगी. और फैक्स मशीन जो होती है रिसीविंग साइड जो होती है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इस डिजिटल फॉर्म को, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में डाटा आया होगा उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और फिर उसको प्रिंट करेगी. फैक्स मशीन की आगे दो टाइप हैं, डिकेटिव फैक्स मशीन होती है एक, जो दो टाइप है इसकी, डिकेटिव फैक्स मशीन और फैक्स मॉडम. डिकेटिव फैक्स मशीन जो होती है एक नॉर्मल फैक्स मशीन होती है, ये क्या कर सकती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी. ठीक है, और इसको क्या कर सकती है, ये रिसीव करे सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है इंफॉर्मेशन को दूसरे फैक्स मशीन से. लेकिन फैक्स मॉडम जो होती है ना, इसमें एक क्रिटिकल फैक्स मॉडम में एक सर्किट बोर्ड होता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि इसके अंदर कंप्यूटर की तरह एक सिस्टम यूनिट मौजूद होता है फैक्स मॉडम में, उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है. ये क्या करेगा, वो सेंड भी करेगा रिसीव भी करेगा इंफॉर्मेशन को, एंड क्या करेगा उसके साथ फ्रॉम ए कंप्यूटर से भी. वो सिर्फ फैक्स मशीन, तो फैक्स मशीन इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव करेगी डिकेटिव फैक्स मशीन, लेकिन जो फैक्स मॉडम है वो इंफॉर्मेशन को फैक्स मशीन एंड फैक्स मशीन तो अलावा वो क्या करेगी, इसको दूसरे कंप्यूटर से भी रिसीव एंड सेंड कर सकती है. इट कैन ऑल्सो सेंड इंफॉर्मेशन टू द फैक्स मशीन और फैक्स मशीन से भी. नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिंग सिस्टम. इमेजिंग सिस्टम क्या होती है, यानी कि इमेज स्कैनर को ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं, यानी कि वो स्कैनर जो कि इमेज को स्कैन करते हैं उसको ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं. क्या करता है, कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, ड्राइंग जो है एंड फोटोग्राफीज को इनटू द डिजिटल फॉर्म में. पहले इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको स्टोर कर देगा कंप्यूटर में. और इमेज स्कैनर, पहले बता देती हूँ डिजिटल है क्या. डिजिटल जो होती है ना ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है. ये जो है वो कि जो होती है ना लैंग्वेज, इसमें दो ही करेक्टर हैं, 0 एंड 1, यानी कि जब वो इसको कन्वर्ट करती है तो टेक्स्ट चाहे जिस तरह का मर्जी हो वो इसमें दो ही वर्ड को रिपीट करेगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इमेज स्कैनर जो होता है वो स्कैन करता है कलर को और ब्लैक, कलर को भी स्कैन कर सकता है, ब्लैक को भी और वाइट इमेज को भी विद अ लाइट, लाइट के साथ उसको स्कैन करेगा एंड देन बेक इमेज इनटू द लाइट एंड डॉट डॉट, यानी कि उन कलर्स को ब्लैक एंड वाइट इमेज को पहले वो लाइट के थ्रू स्कैन करेगा फिर इनको पीसीस में कर देगा इमेज को लाइट एंड डॉट डॉट में, डॉट एंड द कलर डॉट में, दोनों में. ठीक है, फिर इनको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में, यानी कि डिजिटल फॉर्म 0 एंड 1 के फॉर्म में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड रस्टर ग्राफिक. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रस्टर ग्राफिक. रस्टर ग्राफिक जो होती है एक टेक्निक है रिप्रेजेंट करने की इमेज को एट द मैट्रिक्स ऑफ डॉट में. नेक्स्ट जो दूसरी टाइप थी हमारी स्कैन उसकी इनपुट डिवाइस, नेक्स्ट जो हमारी दूसरी टाइप थी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की, वो थी ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइस. ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो एंटर करेगा किसी भी साउंड को इनटू द कंप्यूटर इज कॉल ऑडियो डिवाइस. क्या करेगा, इसमें इंक्लूड कर सकता है स्पीच को भी इसमें, यानी कि आपकी वॉइस के अलावा इसमें, वॉइस में स्पीच भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकती है. पहले क्या करेगा, उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा ऑडियो. ऑडियो कैन बी एंटर थ्रू द माइक्रोफोन, चाहे आप अपनी वॉइस को माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करें. ऑडियो इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड करेगा एनालॉग साउंड को एंड कन्वर्ट करेगा, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में
कंप्यूटर में आप चाहे जिस तरह का मर्जी डाटा एंटर करें, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आप एनालॉग की फॉर्म में यानी कि सिंपल आप जैसे जिन वर्ड्स में बोलते हैं इंग्लिश लाइक या उर्दू लाइक जिन वर्ड में भी बोल रहे हैं वो होगी हमारी एनालॉग साउंड। फिर उसको जो कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में यानी जीरो एंड वन की फॉर्म में, फिर फर्दर वो प्रोसेसिंग करेगा। द मेन यूज़ ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइस जो होता है इज होता है प्रोवाइड करना डिजिटल इनपुट को फॉर द मल्टी मीडिया कंप्यूटर। फिर वो उनको प्रोवाइड कर देता है डिजिटल इनपुट में वो इनपुट। आगे ये है ऑडियो इनपुट, आगे है वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट क्या होगा, प्रोसेस जो होता है एंट्री करने का फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू द कंप्यूटर, यानी कि वहाँ पे तो सिर्फ साउंड एंटर की थी, यहाँ पे वीडियो के साथ। वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा है कि कौन बोल रहा है, उसमें एक्शन वो क्या बंदा कर रहा है, यानी कि फुल मोशन रिकॉर्ड होगा वॉइस के साथ साथ, आपकी आवाज़ के साथ साथ आपकी वीडियो भी। लाइव आप क्या कर रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी कंप्यूटर में वीडियो इनपुट में। इसको क्या कहेंगे, वीडियो इनपुट या वीडियो कैप्चर भी कह सकते हैं। वीडियो कैन बी एंटर फ्रॉम ए एनालॉग डिवाइस लाइक VCR, यानी कि इसको भी एनालॉग डिवाइस के थ्रू एंटर किया जाएगा। द एनालॉग सिग्नल ऑफ द वीडियो मस्ट बी कन्वर्टेड टू द डिजिटल फॉर्म, सेम लाइक ऑडियो इनपुट की तरह वीडियो इनपुट भी एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा स्टोरिंग करने के लिए कंप्यूटर में। एक्सपेंशन कार्ड कन्वर्ट करेंगे एनालॉग वीडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, इसको कह सकते हैं वीडियो कैप्चर कार्ड भी, क्योंकि कन्वर्ट करता है एनालॉग वीडियो को डिजिटल वीडियो में। आगे इसके दो टाइप के वीडियो कार्ड हो सकते हैं, फ्रेम गैबर्स वीडियो कार्ड होता है, दूसरा फुल मोशन वीडियो कार्ड होता है। जो फ्रेम गैबर्स वीडियो कार्ड है ये कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है सिंगल वीडियो फ्रेम को एट ए टाइम, यानी एक ही वक्त में जो सिंगल वीडियो फ्रेम को ये कैप्चर करेगा और इमेज जो होगी वीडियो की एट अ स्पेसिफिक टाइम पे होगी, उसको फ्रेम भी कहते हैं। जो फुल मोशन वीडियो कार्ड होते हैं इसको अडाप्टर कहते हैं, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड। वो एक वक्त में यानी एक वीडियो पे सिंगल फ्रेम होगा, ये पर सेकेंड में यानी कि 30 सेकेंड में, ये पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 30 फ्रेम जो है उस रेट पे सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में। उसके बाद ये कन्वर्ट करे ये देगा अफेक्ट ऑफ द मोशन पिक्चर, इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा फुल मोशन वीडियो कार्ड का। ये जो कार्ड होती हैं, ये वीडियो कार्ड की बात हो रही है, इसका ये फुल मोशन वीडियो कार्ड है उसको ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेम कैबर्स वीडियो कार्ड से। देखते हैं डिजिटल कैमरा क्या होता है। डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस को सारे को डिस्कस कर रहे थे इसलिए डिजिटल कैमरा को भी डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, ये स्टोर करती है इमेज को डिजिटली इट्स मेमोरी रेदर देन रिकॉर्डिंग ऑन द फिल्म, यानी कि वो डिजिटली आपकी पिक्चर हो या वीडियो हो उनको रिकॉर्ड करके एक फिल्म की फॉर्म में स्टोर करता है। ये पिक्चर जो होती हैं एक डिजिटल कैमरा के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि आप पिक्चर को डिजिटल कैमरे में बनाते हैं तो डायरेक्ट आप उसको कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल जो कैमरे होते थे जो डिजिटल नहीं थे उसको डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन डिजिटल कैमरे को डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके साथ पिक्चर वगैरह को हम लोग गेट कर सकते हैं। मैंने डिजिटल कैमरा अलो टू यूज़र एडिटिंग इमेज, डिजिटल कैमरे में यानी कि ये ऑप्शन होता है, यानी कि कंप्यूटर में कन्वर्ट करने से पहले ही वहाँ भी पिक्चर में एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ डिजिटल फोटो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि जितनी मेमोरी होगी उस हिसाब से आप इसमें पिक्चर बना सकते हैं। तो एडवांटेज क्या होगा डिजिटल कैमरे का, वो आपकी फ़ोटो को जो है वो इनएक्सपेंसिव होगी। और फीचर इतना ही था, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।